क्या नाम है? मेरा अनंता श्रीराम बोरीकर हूँ। कहाँ से? मैं छिंदवाड़ा जिला है, सौंसर तहसील है, ग्राम मेरा पारड़ सिंह है। कितने वर्षों से हनुमान जी का पाठ करवा रहे हैं? ये पाठ तो 4-5 साल से करवा हूँ। कैसी अनुभूति होती है जब आप हनुमान जी के रूप में रहे? अभी मैं जामसवली मंदिर में 5 दिन पदयात्रा में चला हूँ, तो मेरे को एहसास हुआ कि अभी बागेश्वर धाम में 151 कन्याओं की विवाह है, इसलिए भाई अपन भी चलो बागेश्वर धाम में भी मजा मौज करे, हनुमान जी का परिचय दे, हनुमान जी का विश्व में नाम चले, हनुमान जी के यहाँ पर हनुमान जी को माने। बागेश्वर धाम भी जितनी महिमा जामसवली में उतनी महिमा यहाँ पे भी है। बागेश्वर धाम की जय। यहाँ पर आए हैं, कितना उत्साह है कार्यक्रम को लेकर, कलश यात्रा में आप शामिल हुए? ये कलश यात्रा में तो बहुत उत्साह है कि अभी जो जनता जनार्दन मेरे भक्तगण जो दिख रहे हैं वो बहुत उत्साहगन में चल रहे हैं। अभी तो कलश यात्रा चालू होने की है, पूजा पाठ चल रहा है। अभी राम भगवान के गाने पर आप डांस कर रहे थे, नाच रहे। हाँ, ऐसा लग रहा है कार्यक्रम बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी कलश यात्रा होने वाली है, क्या कहेंगे इसमें? तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि बागेश्वर धाम का जो विश्व में नाम चल रहा है ये और आगे चले और पूरे देश में चले। गुरुजी के लिए क्या कहेंगे? गुरुजी का तो नाम चल रहा है, गुरुजी ने तो पूरे विश्व को जगा दिया है, हिंदू जग गया है। ये 3 ऐसे संत अपने देश में पैदा हुए, पहले प्रदीप मिश्रा जी, दूसरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तीसरे राम भद्राचार्य जी। इन 3 संतों ने पूरे देश को जगा दिया है, हिंदुत्वमय भारत हुआ है। हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं गुरुजी? हाँ, हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू में हिंदू जब तक जग गए, अभी जब आप हिंदू को कोई पीछे ला सकता नहीं है, हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। अभी पूरे गांव में आप भ्रमण करेंगे? हाँ, पूरे गांव में भ्रमण करेंगे, पूरे नाचेंगे कूदेंगे।